हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लस टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट हेलो अल्केन और हेलो ओलेइन। फिर प्लस टू की ऑर्गेनिक की माइलस्टोन यूनिट है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस अगले यूनिट में रिपीट होंगी। अगर आपको ये यूनिट आ गई तो ऑर्गेनिक आपके लिए प्लस टू की आसान हो जाएगी। काफी रिएक्शंस रिपीट होंगी, आई एम नॉट सेइंग की सारी, बट काफी रिएक्शंस आगे आने वाली यूनिट जो है उनमें इस यूनिट की रिपीट होगी। इससे पहले आपने जीओसी की वीडियोस देख ली होंगी, कुछ और भी जीओसी की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तब तक ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को समझना मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हेलो अल्केन और हेलो ओलेइन। जैसा कि नाम बता रहा है, हेलोजन प्लस अल्केन, हेलोजन प्लस ओलेइन, इसका मतलब जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन का एलिफेटिक और मे बी एरोमेटिक रिप्लेस कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा हेलोजन से, तो जो डेरिवेटिव बनेंगी उन्हें कहेंगे हेलो अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड से जो बनेंगी उन्हें कहेंगे हेलो ओलेइन। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। हेलो अल्केन एंड हेलो ओलेइन मीन्स व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एटम किसके? हाइड्रोकार्बन के। अब हाइड्रोकार्बन आप एलिफेटिक भी ले सकते हो और एरोमेटिक भी ले सकते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, रिप्लेस्ड बाय एक्स एटम। आपको पता है अच्छे से एक्स एटम हम किसके लिए लिखते हैं? हेलोजन के लिए लिखते हैं। बताइए कौन कौन से हेलोजन एटम है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हाइड्रोजन एटम। तो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जब हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड जो बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? हेलो अल्केन एंड हेलो ओलेइन, हेलो अल्केन या फिर हेलो ओलेइन। ओके, यानी सिंपल मीनिंग ये हो गया, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज हेलो अल्केन। अल्केन में से हाइड्रोजन एटम हटा के आपने हेलोजन लगा दिया, हेलो अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दैट इज कॉल्ड एज हेलो अल्केन। नेक्स्ट, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन, अरीन मतलब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन कंपाउंड, अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, आर कॉल्ड हेलो अरीन, हम कहते हैं हेलो अरीन। ओके, जैसे एग्जांपल है भाई, अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर आप इसके एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर माइनस एच उसकी जगह कर दो प्लस एक्स, मतलब एक्स लगा दो, हाइड्रोजन माइनस कर दिया और एक्स लगा दिया, तो आपके पास कंपाउंड बन गया CnH2n+1 और एक्स, ठीक है, एक हेलोजन एटम। अभी एक हाइड्रोजन एटम हटा के एक हेलोजन लगा है। जब एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम से रिप्लेस किया जाता है तो उसे कहते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मान लो और एक हटा रहे हो आप, और एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और आपने एक्स लगा दिया, तो CnH2n+1 में से और एक हाइड्रोजन एटम हट गया तो बन गया CnH2n और दो हेलोजन, इसे कहेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इसी तरह से ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और बन जाती है, जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हम हाइड्रोकार्बन के रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाएगा क्या? क्या? पॉली हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है, इसे करेंगे हम लोग।
अब हेलो अरीन के लिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, C6H6 है, एक हाइड्रोजन एटम बेंजीन का हटाया, हेलोजन लगाया, तो क्या बन गया, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हेलोरीन। इसी तरह से एक से ज्यादा भी कर सकते हैं आप, दूसरा क्योंकि दोनों हेलोजन एक पे तो होंगे नहीं, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। मान लीजिए आपने और एक हाइड्रोजन एटम हटाया और एक्स लगा दिया, तो दूसरा हेलोजन एटम कहां पर लगाओ, यहां पर भी हो सकता है या फिर यहां पर भी हो सकता है, ये सब आइसोमर बन जाएंगे, या फिर यहां पर भी हो सकता है, इनको सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। आपको अच्छे से याद होगा, अगर बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच है, ये मेन ग्रुप है मान लीजिए, तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं बेटा, यहीं से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, और सेकेंड पोजीशन को कॉमन नेमिंग में ऑर्थो बोलते हैं, सिक्स पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, थर्ड पोजीशन को मेटा बोलते हैं, फिफ्थ पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और फोर्थ पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा। ऑर्थो का सिंबॉल क्या है, ये मेटा का सिंबॉल क्या है, एम, और पैरा का सिंबॉल क्या है, पी। तो यहां हम कहेंगे ऑर्थो डेरिवेटिव बन गई डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये क्योंकि इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड, या इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन थर्ड है, तो थर्ड मतलब मेटा पोजीशन पे है, तो ये मेटा डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन गई और ये पैरा डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन गई, इसकी बेंजीन की। ये कुछ एग्जाम्पल हेलोरिन, तो जो कुछ आपकी समझ में आया ये कि जब हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हटा के हम हेलोजन लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं हेलो अल्केन या हेलो अरीन, ओके। चलिए आप क्वेश्चन ये उठता है कि हम हेलो अल्केन और हेलो अरीन पढ़े क्यों, हमारे डेली लाइफ में हेलो अल्केन हेलो अरीन इन कंपाउंड का यूज कहां है, क्या आप कोई हेलो अल्केन और हेलो अरीन कंपाउंड डेली लाइफ में देखते हो, क्या हमने कभी इसका यूज किया है, तो देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एप्लीकेशंस कुछ कंपाउंड के, एप्लीकेशंस ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले है आपके पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का यूज पहले किया जाता था, अभी भी आपने देखा होगा ऐसे केसेस आते हैं कि कोई आदमी जा रहा था, एक क्या किया, एक क्रिमिनल उसके सामने एक हैंकी लेकर आया जिसपे कोई लिक्विड स्प्रे किया था और हैंकी को मुंह पे रखा, वो बेहोश हो गया, तो उस लिक्विड, वो कौन सा लिक्विड था उस हैंकी में, वो था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थीसिया होता है जो बेहोश करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन का कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है, एनेस्थीसिया देने के लिए यूज करते हैं, एनेस्थेटिक। पहले सर्जरी में भी इसी का यूज किया जाता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म का यूज अब नहीं किया जाता सर्जरी में, पेशेंट को एनेस्थीसिया जो दिया जाता था शुरू में क्लोरोफॉर्म देते थे, अब नहीं, तो अब कौन सा देते हैं, आप देते हैं हेलोथेन। आप कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं, हेलोथेन। भाई है तो ये भी क्या आपके पास हेलोजिनेटेड कंपाउंड ही, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ये इसका नाम वगैरह सब देखेंगे, कॉमन नाम है हेलोथेन। हेलोथेन मिक्स विद डाइथाइल ईथर, दिस इज नाउ एनेस्थेटिक एजेंट यूज फॉर द सर्जरी, जब इस आदमी को ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है, तो ये देते हैं, तो ये भी एक हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। और देखें यूज, आपने ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड का नाम जरूर सुना होगा, यूज करते हो 1,4-dichlorobenzene, ये आपके पास मोथ बॉल के नाम से मार्केट में मिलता है, मोथ बॉल्स, इज इट क्लियर, मोथ बॉल्स में क्या होता है, 1,4-dichlorobenzene,
तो ये भी एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड है। हमारे थ्रोट में थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन भी एक आयोडीन का क्या कह सकते हैं कंपाउंड है, आयोडीन का हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, आयोडीन प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। और थायरोक्सिन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, थायरॉइड जब हो जाता है तो थायरोक्सिन नाम से थायरोनोनिन नाम से उसमें वो भी एक क्या है, वो भी एक आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन में क्या है आपके पास आयोडीन प्रेजेंट है। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, अगर इसकी कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है, वो भी एक आयोडीन का हाइड्रोकार्बन ही है, यानी है तो अल्केन ही। और यूज बताती हूँ आपको, फ्रियोन का नाम सुना आपने, फ्रियोन 12, फ्रियोन 13, तो जितने भी फ्रियोन्स हैं, फ्रियोन का जनरल नेम होता है क्या, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम, छोटे क्लास में बोलते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम की जगह क्लोरीन और फ्लोरीन लग गए हैं कुछ। तो फ्रियोन्स का यूज किसमें किया जाता है, कूलिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है, इसे क्लियर, रेफ्रिजरेटर में होता है, आगे बात समझे, एसी में कूलिंग एजेंट के फॉर्म में भी फ्रियोन्स का यूज किया जाता है। तो फ्रियोन्स भी एक क्या है, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाइड्रोजिनेटेड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन हमें डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलते, एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में, ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके फॉर्म में, मोथबॉल्स के फॉर्म में, और भी सुनिए, थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्म में, फ्रियोन्स के फॉर्म में भी आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं, हेलो अल्केन देखने को मिलते हैं, यानी हेलोजन डेरिविटी ऑफ अल्केन या हेलोजन डेरिविटी ऑफ अरीन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, DDT नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब आ गया क्लोरो, इसका मतलब ये भी क्या है, एक टाइप का बोलो हेलोजिनेटेड कंपाउंड ही है, ठीक है, जो किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास BHC का नाम सुना है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, ठीक है, पेस्टिसाइड है, क्रॉप्स पे इसका स्प्रे किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम सुनिए, इसका मतलब ये भी क्या है, बोलो क्लोरीनेटेड कंपाउंड है, किसका, बेंजीन का। तो जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे वो सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, कहने का मीनिंग ये हुआ हेलो अल्केन और हेलोरीन हम डेली लाइफ में इन कंपाउंड का यूज करते हैं, हम इनका एप्लीकेशन यू कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना माइंड में, जब भी हम कोई यूनिट शुरू करते हैं ऑर्गेनिक के, जब भी हम कोई कंपाउंड पढ़ाते हैं कि भी ये कंपाउंड हम क्यों पढ़े, इनका हमारे डेली लाइफ में क्या कोई यूज है, हम क्या कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो हम इन्हें स्टडी करेंगे, इज इट क्लियर। तो आपको इसीलिए मैं समझाया, देखिए हेलो अल्केन और हेलोरीन में से बहुत सारे कंपाउंड का यूज हम डेली, तो कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुछ कंपाउंड क्लीनिसिंग एजेंट है, क्लीनिसिंग एजेंट में भी हम हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर लैपटॉप स्प्रे करने के लिए जो लिक्विड आता है वो भी हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, और कुछ एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे हम लोग टेफ्लॉन यूज करते हैं, टेफ्लॉन रबर है ना, तो टेफ्लॉन रबर पता है किससे बना है, ये मोनोमर है टेफ्लॉन रबर का, पॉलीमर है टेफ्लॉन रबर, कोटिंग होती है नॉन स्टिक कुकवेयर पे, जो ब्लैकिश कलर की कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, और टेफ्लॉन किससे बना होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है, फिर उससे पॉलीमर जो बनता है उसका नाम टेफ्लॉन है। दूसरा सुनिए आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है बेटा, पीवीसी का नाम तो सुना होगा आपने, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है जो किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से बनता है। विनाइल क्लोराइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन, ये विनाइल क्लोराइड है, इज इट क्लियर, विनाइल क्लोराइड से बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपके सामने है टेफ्लोन है, पीवीसी है, इन सभी में क्या है, इन सभी में हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन है,
इसलिए हमें हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ओके चलिए, तो पहले हम शुरू करते हैं। आई थिंक ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं हाउ टू क्लासीफाई हेलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अरीन। क्लासिफिकेशन हम एक साथ ही करेंगे, हेलो अल्केन हेलो अरीन दोनों आ जाएंगे। ओके क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन सबसे पहले बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। कितने हेलोजन है, वन है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, दो है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, तीन है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, और बहुत ज्यादा है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ओके तो बेस्ड अपॉन, पहला क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। वी हेलो अल्केन को कॉमन नेम में अल्काइल हलाइड कहा जाता है। ये नाम काम आएंगे बेटा आपके, क्योंकि मैं साथ साथ में इनके नाम लिखने के सिस्टम भी करते चलूंगी, आईयूपीसी और कॉमन नेम। आपने पढ़ लिया है प्लस वन में, ये जस्ट आपके लिए रिवीजन होगा। अल्काइल हलाइड यानी जिस अल्काइल ग्रुप से हेलोजन एटम अटैच है वो अल्काइल का नाम लिखना है, और फिर क्या लिखना है, हलाइड हेलोजन जो भी है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। कॉमन नेम में हम हेलोजन को सफिक्स लगाते हैं, हेलाइड हो जाता है, और आईयूपीएसी नाम में हम लिखते हैं हेलोजन हेलो प्लस अल्केन। यानी हेलोजन का बेटा आपको पता है हेलोजन जो फंक्शन ग्रुप होता है हेलो प्लस अल्केन, ये आपके पास आईयूपीएसी का सिस्टम है। ओके हेलोजन जो है वो फंक्शन ग्रुप तो है लेकिन इट इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये प्रीफिक्स वाला फंक्शन ग्रुप है, इसका कोई सफिक्स नहीं होता, इसका हमेशा प्रीफिक्स ही रहता है। प्रीफिक्स होता है हेलो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फिर क्या लगा देंगे जो प्रीफिक्स है वो, मतलब जो हेलोजन प्रेजेंट है वो उसकी पोजिशन प्लस अल्केन, किस अल्केन पर है वो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है कंपाउंड में, वहां से आपको पेरेंट नेम मिल जाएगा अल्केन। ठीक है ये जस्ट शॉर्ट रिविजन होगा आपके पास यूपीसी नेमिंग का, इन हेलो अल्केन हेलोरीन के आप कर चुके हो प्लस वन में, ऐसा नहीं कि फिर से पूरा डिटेल में आपको यूपीसी और कॉमन नाम बताऊंगा। ठीक है और हेलो अरीन को हम कॉमन क्या कहते हैं, अराइल हलाइड, अरील अरील हलाइड, अरील हलाइड। ठीक है ये कॉमन नेम में होता है। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। ओके डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ डाई हेलोजन, अब इतना ही लिख दूं, एंड ट्राई हेलोजन टेट्रा हेलोजन यानी पोली हेलोजन, पोली हेलोजन क्या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर ऐसे नहीं तो मोनो हेलोजिनेटेड कंपाउंड, डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड और पोली हेलोजिनेटेड कंपाउंड। ठीक है अगर पूरा नहीं लेते हो, देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास मीथेन है, मीथेन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और क्लोरीन लगा दिया, तो ये होगी मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। आपके पास इथेन है, इथेन में से ये इथेन है, एक हाइड्रोजन एटम हटाया और उसकी जगह लगा दिया ब्रोमीन, इज इट क्लियर। आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया भाई, ब्रोमीन या आयोडीन जो भी लगा दो, ये सब क्या है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है चलिए अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, कॉमन नाम, कॉमन नाम है इसका मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नाम को तो हम अलग से और भी डिस्कस कर लेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल ग्रुप है क्लोराइड, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप देखना, ये अल्काइल ग्रुप है इथाइल, तो ये आपके पास हो गया इथाइल क्लोराइड। ओके ये बताइए ये कौन सा है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं कॉमन नेम में हम लोग कुछ प्रीफिक्स यूज करते थे,
अल्केन का नाम देते समय कॉमन नेम में आईयूपीएसी कॉमन नेम कंपाउंड में कॉमन नेम देते समय हम लोग प्रीफिक्स यूज करते थे एन आइसो नियो टर्शरी सेकेंडरी। इज इट क्लियर? मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी इसको, पहले मैं आपको ये दे दूं। ये है आपके पास आइसो, आइसो कितने कार्बन एटम है? तीन। आइसो प्रोपाइल, अभी डिस्कस करेंगे बेटा इसको, आइसो प्रोपिल, सॉरी मैंने क्लोराइड लिख दिया यहाँ पे बेटा, ये ब्रोमीन है तो इथाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है ये और ये है ब्रोमाइड, अभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो आप, कॉमन नेम है हम लोग आइसोनियो टर्शियरी सेकेंडरी। ये आपने देखा इन सभी में क्या है आपके पास, एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए मोनो हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना पड़े तो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे बताइए? आईयूपीएसी बड़ा आसान है, आईयूपीएसी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ बेटा? आईयूपीएसी हम लिखेंगे हेलो अल्केन, सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन एटम की है, हेलो क्या है इसमें? क्लोरो है, क्लोरीन है, प्रीफिक्स क्या लगेगा क्लोरीन का? क्लोरो, क्लोरो और अल्केन मीथेन। इज इट क्लियर? इसमें बताइए ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है? दो की, तो पेरेंट चेन आपके पास क्या हो गया? दो कार्बन एटम की चेन, तो पेरेंट इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? इथेन, और इथेन में क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन। अगर दो से ज्यादा कार्बन एटम है चेन में तो क्या करना पड़ेगा? विनम्रिंगी भी देनी पड़ेगी, ये हो गया ब्रोमो इथेन। इज इट क्लियर? चलिए ये बताइए आपके पास ये क्या होगा? आप पहले हम लोग आईयूपीएसी नेम कैपिटल लेटर से शुरू करते थे, बट आपने सीख लिया होगा अब आईयूपीएसी नाम कैपिटल से नहीं स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, तो ब्रोमो इथेन। ये बताइए क्या नाम हो गया? एलिफेटिक चेन है आपके पास, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है? तीन कार्बन एटम की, और तीन में से ब्रोमीन कितने नंबर पर है? दो नंबर पे। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय यहाँ पर तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी कि ब्रोमीन फर्स्ट पे, इस पे रहेगा तो भी नंबरिंग यहां से कर लेंगे, इस पे रहेगा तो यहां से कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा आईयूपीएसी नंबरिंग के समय, आईयूपीएसी नेमिंग के समय जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है, और जो फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन या सब्स्टिट्यूट अटैच है उसमें फिर हम नंबरिंग करते हैं, वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। इज इट क्लियर? अगर सब्स्टिट्यूएंट है और फंक्शनल ग्रुप दोनों है, ये सारी चीजें की हुई आपको, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। अगर अगर यहाँ पर कौन सा है बेटा, यहाँ पर हैलोजन है, हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है तो नंबरिंग, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो हैलोजन को प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन को छोटा नंबर मिले। इज इट क्लियर? तो आपके पास क्या हो गया, दोनों साइड से नंबरिंग करने पे सेम हो रहा है टू ब्रोमो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? तीन की, टू ब्रोमो प्रोपेन। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपके पास आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी कॉमन नेम में साथ में लेके चल रही है क्लासिफिकेशन की, बड़े आसान से टॉपिक है ये, और ये आप प्लस वन में कर चुके हो, जस्ट रिविजन है नेमिंग का। तो ठीक है, तो क्या कहा मैंने, अगर एक हाइड्रोजन एटम के एक हाइड्रोजन एटम को हटा के हाइड्रोजन एटम लगाया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, अब आते हैं हम लोग डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देखिए बेटा, डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कैसे लिखते हैं? ठीक है, डाय हैलोजन डेरिवेटिव, डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, यहां मैं अल्केन की एग्जांपल ले रही हूं, जब हम अरीन करेंगे हेलोरीन तब हम अरीन की एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन। ठीक है, डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या डाय हैलोजन हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो क्या कहा मैंने कि दो हाइड्रोजन एटम कहां से रिप्लेस कर दो अल्केन से, और क्या बना दो भाई? डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बना दे। अब दो हाइड्रोजन एटम डेरिवेटिव कहां कहां से रिप्लेस करें, ये प्रॉब्लम आती है। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एटम से भी हो सकते हैं, अलग अलग से भी हो सकते हैं, एडजस्टेड पोजीशन से भी हो सकते हैं, और हो सकता है एडजस्टेड ना हो। तो इसके हिसाब से डाय हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक से सुना भाई, ये है जेमिनल डायहैलाइड, पहला है जेमिनल डायहैलाइड, दूसरा है विसिनल डायहैलाइड, विसिनल डायहैलाइड आई नहीं है, विसिनल डायहैलाइड, और तीसरा है आपके पास टर्मिनल
डायहैलाइड, टर्मिनल डायहैलाइड। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको मैं नाम भी यहीं पे सिखाते चलूंगी। ओके, जेमिनल डायहैलाइड का कॉमन नेम होता है अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड को हम लोग बोलते हैं अल्काइलीन, कॉमन नेम अल्काइलीन डायहैलाइड। और टर्मिनल डायहैलाइड के लिए हम लोग पॉलीमिथाइलीन डायहैलाइड भी यूज कर सकते हैं, वर्ड पॉलीमिथाइलीन डायहैलाइड, डायहैलाइड। ठीक है, देखिए जेमिनल डायहैलाइड का मतलब क्या है, ऐसी डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जिसमें हैलोजन एटम जो है वो दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे अटैच, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम की रिप्लेस में है प्रोवाइड हैलोजन एटम। ठीक है, जेमिनल डायहैलाइड मतलब जेमिनल मतलब सेम सेम। ओके, हैलोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट, उसे कहेंगे जेमिनल डायहैलाइड। कॉमन नाम याद रखना अल्काइलिडीन डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड व्हेन हैलोजन एटम एक्स एटम प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। जब हैलोजन एटम कहां प्रेजेंट है, एडजेसेंट कार्बन एटम में प्रेजेंट। और टर्मिनल डायहैलाइड मतलब हैलोजन एटम्स प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजिशंस। ठीक है, कोई आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है और उसमें दोनों हैलोजन टर्मिनल पोजिशन पर हैं, तो कुछ एग्जांपल ले ले हम लोग, समझ में आ गए मीनिंग आपको, जेमिनल विसिनल और टर्मिनल डायहैलाइड। देखिए एग्जांपल मैं लेती हूं, मान लीजिए आपके पास ये है CH3CHXX, दोनों हैलोजन एटम वन पोजीशन पर ही हैं, वन पर हो टू पर हो बट सेम पर होने चाहिए, तो ये क्या है, जेमिनल डायहैलाइड। अगर दोनों हैलोजन एटम वन और टू पर है एडजेसेंट पोजीशन पर, वन टू यहां इंडिकेट करती है एडजेसेंट, टू थ्री भी हो सकते हैं, इज इट क्लियर, एडजेसेंट पोजीशन पर, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे विसिनल डायहैलाइड्स। और मान लीजिए आपके पास ना वन वन मतलब ना सेम पोजीशन है वन वन, ना है आपके पास वन टू एडजेसेंट नहीं है, और वन थ्री वन फोर बाकी कोई भी पोजिशन हो, ठीक है, वन थ्री हो वन फोर हो बाकी कोई भी पोजिशन वाले, इसे कहेंगे टर्मिनल डायहैलाइड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ओके, कुछ एग्जांपल और लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, समझ में आना जेमिनल क्या है, विसिनल क्या है, टर्मिनल क्या है, तभी आप इन कंपाउंड का नाम लिख पाओगे, तभी इनका क्या कर पाओगे, क्लासिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, तो डायहैलोजन बताइए, मैंने आपको कहा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव, डायहैलोजन डेरिवेटिव, पॉलीहैलोजन का मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हैलोजन से रिप्लेस हो गए हैं। अब डायहैलोजन डेरिवेटिव में फिर आपके पास तीन आ जाती है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई, CH3 या आपके पास कार्बन क्लोरीन क्लोरीन CH3। ठीक है, बताइए कैसी हैलोजन है, तो डायहैलोजन इतना तो समझ में आ रहा है हमें, डायहैलोजन है क्योंकि दो क्लोरीन एटम है। अब वो दो क्लोरीन एटम किस पोजीशन पर है,
सेकेंड वाले पोजीशन पर है, या आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दोनों हेलोजन एक पर ही है, तो ये कौन सी है बेटा? जेमिनल डायहैलाइड है, जेमिनल डायहैलाइड है। इज इट क्लियर? कोई जरूरी नहीं फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे होनी चाहिए, दोनों सेम पर होनी चाहिए, सेकेंड पे है दोनों सेकेंड पोजिशन पर। ओके, तो इसका इस हेलो अल्केन का नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम बताइए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? थ्री कार्बन एटम की। दो क्लोरीन है, सेकेंड पोजिशन पर रिजल्ट है। हेलो प्लस अल्केन, दो क्लोरीन है, दोनों सेकेंड पर हैं, तो दोनों सब्सटीट्यूएंट टू पर प्रेजेंट है, तो टू कॉमा टू टू टू। फिर डाई सब्सटीट्यूएंट कौन से? क्लोरो। डाई मतलब दो, क्लोरो एक सेकेंड पे, सेकेंड वाला भी सेकेंड पे। पोजीशन लिख दिया हमने सब्सटीट्यूएंट की टू टू, डाई क्लोरो, ये कॉमा और हाइफन आपको पता है, ये सारी चीजें आप प्लस वन में कर चुके हो, टू टू डाई क्लोरो प्रोपेन। इज इट क्लियर? ये हो गया आपके पास क्या? जेमिनल डायहैलाइड का एग्जाम्पल। चलिए आप इसका कॉमन नाम तो बताइए। कॉमन नाम आपको ध्यान है, कॉमन नाम है मैंने कहा था, इसका नाम है अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन डायहैलाइड। ओके, डायहैलाइड तो कौन सी अल्काइलिडीन? तीन कार्बन एटम की, दैट इज प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ये क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया। समझ में आया? कहने का मीनिंग मैंने आपको ये बताया बेटा कि अगर हेलोजन जो है वन वन पोजीशन, वन वन का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट में दोनों वन वन का इंडिकेट करा, यहाँ पर सेम पोजीशन, तो वो जेमिनल होगा। वन टू मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, वन टू टू थ्री भी हो सकता है एडजेसेंट पोजिशन, तो वो क्या होगा बेटा? विसिनल होगा। और वन थ्री वन फोर जो भी पोजिशन है वो क्या होगा? टर्मिनल क्या होगा? टर्मिनल हेलो अल्केन, डायहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं हम लोग CH3 लिखते हैं, क्लोरीन, और क्लोरीन की एग्जांपल क्या है? पहला तो हम ब्रोमीन के ले लेते हैं। ओके, ब्रोमीन। अब आपने देखा यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो पैरेंट चेन तो है ये, दो हेलोजन है और दोनों हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पर है। फिर नंबरिंग वहां से करेंगे ना पेरेंट चेन को, जहां से दोनों सब्सटीट्यूएंट को क्या मिले? छोटा नंबर मिले। इज इट क्लियर? तो डेफिनेट है मैंने नंबरिंग वहां से की। ओके बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा बताइए? इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 1,2-dibromopropane। ये कैसी हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन की? विसिनल, क्योंकि दोनों हेलोजन आइटम एडजेसेंट पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर जेमिनल, वन टू टू थ्री एडजेसेंट पोजीशन पर विसिनल, और वन थ्री वन फोर जो भी है वो क्या है? टर्मिनल। ठीक है, चलिए इसका कॉमन नाम दे भी, इसका कॉमन नाम क्या बताया था मैंने आपको? विसिनल डायहैलाइड का कॉमन नाम होता है अल्काइलिन, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती कॉमन नाम में, अल्काइलिन डायहैलाइड। ओके, डायहैलाइड ये कॉमन नाम है, अल्काइलिन तो कौन सा है? अल्काइलिन, यहाँ पर तीन कार्बन आइटम है तो प्रोपाइलिन। ओके, प्रोपाइलिन डाई ब्रोमाइड। ओके, ये ठीक है। चलिए कुछ टर्मिनल डायहैलाइड की हम एग्जांपल ले लें, तो टर्मिनल डायहैलाइड की एग्जांपल क्या है लिखी? टर्मिनल डायहैलाइड है आपके पास CH2 क्लोरीन क्लोरीन, दोनों हेलोजन आइटम किस पे हैं? फर्स्ट और थर्ड पे, ना सेम पर है ना एडजेसेंट पे है, एक को छोड़कर एक, मतलब दोनों टर्मिनल पोजीशन पे हैं। यहाँ सीधे सी बात, वन थ्री वन फोर किसी भी पोजीशन पे हैं, तो ये टर्मिनल एंड वाली पोजीशन पर है, इसलिए टर्मिनल डायहैलाइड। आईयूपीएसी नाम तो लिख ही दोगे आप, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दोनों हेलोजन सब्सटीट्यूएंट हो गए,
ओके तो दोनों हेलोजन कहाँ पर है, वन और थ्री पर है, तो वन थ्री डाइक्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन पैरेंट चेन प्रोपेन है, ठीक है। अब बताइए इसका कॉमन नाम क्या होगा, मैंने कहा ना इसका कॉमन नाम पॉलीमिथाइलीन हैलाइड से लिख सकते हो बेटा, मिथाइलीन किसे कहते हैं, मिथाइलीन। देखिए कॉमन नेम में CH2 ग्रुप को मिथाइलीन कहते हैं, CH2 ग्रुप को। तो कितने CH2 ग्रुप है यहाँ पर, तीन, कितने हैं तीन, तो कॉमन नाम हो जाएगा इसका ट्राई मिथाइलीन, तीन मिथाइलीन ग्रुप है, ट्राई मिथाइलीन डाइक्लोराइड। भाई जब CH2 तीन बना दोगे तो डेफिनेट है क्लोरीन की पोजीशन फर्स्ट और थर्ड ही बचेगी, बीच वाले कार्बन आइटम की तो बैलेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है कॉमन नेम में। आगे बात समझ रहे, ये था आपका बेटा डाई हेलोजन डेरिवेटिव। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव मैंने बताया आपको, जब दो से ज्यादा पॉली हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जब दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो, हेलोजन से, जैसे ये है आपके पास, ठीक है। बताइए इसका नाम क्या है दोनों का, पहले वाले का नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि क्या है आपके पास, बोलिए एक ही कार्बन एटम है पैरेंट चेन में और तीन क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका क्या नाम है, पैरेंट चेन आपके पास ये है दो कार्बन एटम की, अब आपके पास ये तीन ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, ठीक है, वन टू थ्री, ये आपके पास हो जाएगा दो हाइड्रोजन बैलेंस कंप्लीट करने के लिए, तो तीन ब्रोमीन एक हेलोजन, चार सब्स्टिट्यूएट हो गए। नंबरिंग कहां से करेंगे, लोवेस्ट लोकेटेड रूल फॉलो होना चाहिए, सभी सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, छोटा नंबर मिले। तो अगर मैं वहां से नंबरिंग करती हूँ, तीन ब्रोमीन को मिलता है वन, क्लोरीन को मिलता है सेकेंड, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वन 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 टू, याद होगा लोवेस्ट लोकेटेड रूल। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्या मिले, सभी लोकेट सभी सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, ठीक है। क्योंकि हेलोजन भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, हेलोजन साइड चेन की तरह ही कंसिडर होगा क्योंकि इसका प्रीफिक्स ही लग है। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो क्लोरीन को मिलेगा वन और ब्रोमीन को मिलेगा तीनों को तीन, तो लोवेस्ट लोकेटेड रूल के हिसाब से कौन सी नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नीचे वाली गलत है ना। देखो वन वन कैंसिल, वन टू में कौन छोटा है, वन छोटा है मतलब ऊपर वाली से, लोवेस्ट लोकेटेड रूल फर्स्ट प्रेफरेंस दिखता था ना, पहले कैंसिल, पहले वाले नंबर सेम है उसकी लोकेशन कैंसिल कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो लोकेशन को। सेकेंड पोजीशन पर देखो, सेकेंड पोजीशन में कौन सा छोटा है, ये है, तो ये वाली नंबरिंग सही, ये गलत, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। और एक से ज्यादा लोकेंट्स है, साइड चेन है, तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, तो तीन ब्रोमीन है वन 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 ट्राई ब्रोमोन, बी पहले आता है एबीसीडी में, ठीक है, ट्राई ब्रोमोन टू क्लोरो, टू क्लोरो इथेन, ये भी आपके पास क्या है, पॉली हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव एल्केन, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन हम अल्केन का करते हैं, हेलो अल्केन का करते हैं, क्या, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हेलोजन एटम अटैच्ड, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन एटम, या आप कह सकते हो बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, ऑन विच एक्स एटम इज अटैच्ड, ओके बेटा। चलिए आप इस हेडिंग को लिखिए एक बार, बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या अरीन हो सकती है, वन डिग्री हेलोजिनेटेड कंपाउंड, प्राइमरी हेलोजिनेटेड कंपाउंड, सेकेंडरी हेलोजिनेटेड कंपाउंड, टर्शियरी हेलोजिनेटेड कंपाउंड,
हैलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन एटम पे है तो प्राइमरी हैलोजिनेटेड कंपाउंड बोलेंगे उसको। प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन एटम क्या होता है ये मैंने आपको जीओसी में पढ़ा रखा है। जो कार्बन एटम दूसरे डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये है, देखिए जल्दी से, अब सिंपल हम इनके क्लासिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपके पास CH3 है। अब आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती हूँ और आपसे पूछती हूँ, आप बताइए कि ये हैलोजन एटम किस टाइप का है, ठीक है। ये हैलोजन एटम प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, किस टाइप का है? ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल दे दिए मैंने। अब आपको बताना है ये हैलोजन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी। टर्शियरी क्वार्टरनरी पे तो हो नहीं सकता, क्वार्टरनरी कार्बन एटम का मतलब ऑलरेडी वो चार वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है अपने दूसरे कार्बन के साथ। तो हैलोजन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा, ठीक है। तो बताइए आप, ये वाला हैलोजन एटम इस कार्बन पे एटम अटैच है और ये कार्बन एटम कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि ये दूसरे कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है? प्राइमरी। कितने से? सॉरी, एक कार्बन एटम से। इसलिए क्या हो गया बेटा? 1 डिग्री हैलोजिनेटेड कंपाउंड, प्राइमरी हेलो अल्केन। ऐसे लिख दीजिए, ये क्या हो गया? प्राइमरी हेलो अल्केन। डिपेंड करता है जो कार्बन एटम जिससे हैलोजन एटम अटैच है उसके नेचर पर। देखिए यहां पर ये हैलोजन एटम जो है वो किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन एटम का, इस कार्बन एटम का नेचर बता दीजिए। ये कार्बन, ये CH3, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको पता है इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम होगा। तो इस कार्बन का नेचर बताइए, ये कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है? दो से, इससे और इससे डायरेक्टली अटैच है। यानी ये क्या है? ये सेकेंडरी हेलो अल्केन है, क्योंकि इस कार्बन एटम का नेचर कैसा है? दूसरे दो कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन एटम था। इसलिए जो हेलोजन डेरिवेटिव अल्केन की वो सेकेंडरी हेलो अल्केन है। ओके, आप इस कार्बन एटम को देखिए भाई, इस कार्बन एटम का नेचर देखेंगे हम, ठीक है। देखिए ये कार्बन एटम जो है वो यहां पर किससे अटैच है? CH3 बॉन्ड लाइन रोटेशन लिख दिए मैंने। अब ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? बोलो, तीन से। यानी इस कार्बन एटम का नेचर कैसा है? टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है, टर्शियरी कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच है। यानी ये क्या हो गया आपके पास? टर्शियरी हेलो अल्केन, टर्शियरी हेलो अल्केन। ओके, आगे देखिए आपके पास ये वाला हेलो अल्केन बताइए किस टाइप का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, समझ में आ गया आपको? ये हेलो अल्केन बताइए फिर, ठीक है। सबका मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपको उस कार्बन एटम का नेचर देखना है जिससे हैलोजन एटम अटैच है, उसकी बगल वालों का नहीं देखना, उसकी बगल वालों का नहीं देखना। ये कार्बन एटम जिससे हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम क्या होता है बेटा? उसका नेचर यहाँ क्या है? प्राइमरी। क्योंकि कार्बन एटम डायरेक्टली दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है? एक से डायरेक्टली। उसके बाद ये कितने से अटैच है उससे मतलब नहीं। ये वाला कार्बन एटम जिससे हैलोजन एटम अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है? एक से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? प्राइमरी हेलो अल्केन। ओके, तो बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड वी कैन क्लासीफाई हेलो अल्केन एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये आपके पास है, आप बताओगे ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन किस टाइप का है? ये कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो बताइए आपके पास यहां पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। और ये कार्बन एटम इस कार्बन से अटैच है, इससे और इससे। वैलेंसी कंप्लीट बाद में कर लेना,
ये वाला कार्बन एटम डायरेक्ट ही कितने कार्बन एटम से अटैच है, तीन से मिनट में चौथा, अरे फोर्थ तो क्लोरीन है, ये सी थोड़ी है, ये क्लोरीन है भाई, इज इट क्लियर। तो ये वाला कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से डायरेक्ट ही अटैच है, इसका मतलब ये क्या है, टर्शरी कार्बन एटम, यानी अल्काइल हैलाइड कैसी है, हैलोल्केन कैसी है, टर्शरी हैलोल्केन, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम। ये देखिए आपके पास ये वाला कार्बन एटम जिससे हैलोजन एटम अटैच है, वो दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है, एक इससे, ठीक है, एक यहां और एक यहां। ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है, तीन से, इसलिए ये वाला अल्काइल हैलाइड कैसा है, टर्शरी। इज इट क्लियर। यहां देखिए ये हैलोजन एटम जो है, चलो ब्रोमीन ले लें, यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन ले लेते हैं, हमेशा पहला हैलोजन ही आता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो क्या है बोलो, इस कार्बन से अटैच है, फ्लोरिनेटेड अल्केन ना थोड़े कम होते हैं, फ्लोरिनेटेड डेरिवेटिव अल्केन की बनाना डायरेक्टली मेथड से इजी नहीं होता, वो कम यूज होते हैं, इसलिए जितने भी एग्जांपल हम ले रहे हैं ज्यादातर क्लोरीन, ऐसा नहीं कि फ्लोरिनेटेड, आपने देखा फ्लोर वगैरह फ्लोरिनेटेड कंपाउंड यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोरीन क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ज्यादातर क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हैलोल्केन, सॉरी क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ही है जो हम यूज करते हैं, इसलिए क्लोरीन का फ्रिक्वेंटली एग्जांपल दिया जाता है, बाकी आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास है ब्रोमीन, ब्रोमीन इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है कि नहीं, और ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है, बस ये देखो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से, इस ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से अटैच, उसके बाद वो कितने से अटैच है उससे क्या करना है हमें, ये कार्बन एटम देखना है कितने से अटैच है, जिसपे हैलोजन एटम अटैच है वो कार्बन एटम कितने से अटैच है, वो कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए ये कैसी हैलोल्केन है बेटा, प्राइमरी, सच दैट वी कैन क्लासीफाई द हैलोल्केन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम ऑन विच डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। दो स्पेशल टाइप की हैलोल्केन, सॉरी हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हैं, ये है आपके पास बेंजाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड आगे देखेंगे, अभी देखते हैं हम लोग अलाइल हैलाइड, ध्यान से देखिए। अब बेंजाइल हैलाइड अलाइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो सकती है, बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या है, बेंजाइल हैलाइड का मतलब है एक्स एटम प्रेजेंट ऑन बेंजेलिक कार्बन एटम, बेंजेलिक कार्बन एटम, ठीक है, हैलोजन एटम कहां पर प्रेजेंट है, बेंजेलिक कार्बन एटम, आप वो आगे बेंजेलिक कार्बन एटम किसे कहते हैं, वो कार्बन एटम जो बेंजीन से अटैच है, बेंजीन से देखो बेंजीन से सीधे अटैच, बेंजीन की रिंग से अटैच है ये वाला कार्बन एटम, ये कार्बन एटम जो बेंजीन से सीधे अटैच है, बाकी कितने हैलोजन से अटैच है वो पता नहीं, कितने हाइड्रोजन से कितने कार्बन से ये अटैच होता रहेगा सबसे, लेकिन जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम, इस कार्बन एटम को हम कहते हैं बेंजिलिक कार्बन एटम। अगर बेंजिलिक कार्बन एटम पे हैलोजन एटम अटैच है तो वो होगी बेंजिलिक क्या, हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों हो सकती है बेंजिल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, एलिल हैलाइड किसे बोलते हैं, द हैलोजन एटम अटैच ऑन एलाइलिक कार्बन एटम, एलाइलिक कार्बन एटम। अब एलिलिक कार्बन एटम किसे कहेंगे, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है एलिफेटिक चेन में, उससे जो अटैच कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम है वो आगे किससे अटैच है उससे मतलब नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच कार्बन एटम है उसे कहते हैं अलाइलिक कार्बन एटम, और इसपे हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे अलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए भाई
कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये है आपके पास ध्यान से देखना आप ये देखिए कि हैलोजन एटम किस पर प्रेजेंट है। हैलोजन एटम बेंजीलिक कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। जो कार्बन एटम बेंजीन रिंग से अटैच है वो बेंजीलिक हो गया। तो ये बेंजीलिक हैलाइड है ना, बेंजीलिक हैलाइड। अब एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ये देखिए तो बेंजीलिक कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है, एक तो इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, किससे, दो से, यानी बेंजीलिक हैलाइड है। और कैसी है ये, सेकेंडरी है। ठीक है, बेंजीलिक हैलाइड भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों हो सकता है। ये देखिए आपके पास हैलोजन एटम यहां प्रेजेंट है, तो आपको पता ये कार्बन एटम बेंजीन की रिंग से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बन एटम क्या है, बेंजीलिक कार्बन एटम है। और ये हैलाइड जो है वो बेंजीलिक हैलाइड है। लेकिन बेंजीलिक हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कौन सी, तो ये कार्बन एटम जो बेंजीलिक कार्बन एटम है वो दूसरे कितने कार्बन एटम से अटैच है, एक तो इससे, एक इससे और एक इससे, कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तीन से। यानी बेंजीलिक हैलाइड जो है वो क्या है भाई, यहां टर्शियरी नेचर की है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप एलिनिक हैलाइड का ले लीजिए, CH2, ये एक्स, ये आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसका नाम पहले तो मैं आपको बता दूं, IUPAC नाम लिखते समय आप ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि हैलोजन जो है दैट इज कंसिडर्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप साइड चेन। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं, साइड चेन ग्रुप होते हैं, उनको हमेशा डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से कम प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, डबल बॉन्ड से कम प्रेफरेंस देते हैं, यानी नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से डबल बॉन्ड को छोटा मिले, चाहे इस साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट को कुछ भी मिले। इस बात को मत भूलिएगा, इसमें NCERT के 2-3 क्वेश्चन है इस तरह के। तो पहले हम ये देख लें किस टाइप की हैलाइड है। तो यहां पर हैलोजन एटम किस रिप्रेजेंट है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, कार्बन एटम उस पर हैलोजन है, इसलिए उस पर हैलोजन है। तो ये वाला कार्बन एटम कौन सा होगा, अलाइलिक कार्बन एटम। तो ये अलाइलिक हैलाइड होगी, हो गई। कौन से नेचर की है, अलाइलिक कार्बन एटम किस नेचर का है, प्राइमरी। तो ये एलिलिक प्राइमरी हैलाइड है। नाम दे, नाम देते समय आपके पास पैरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है बताइए, आप पैरेंट चेन देखेंगे, पैरेंट चेन 3 कार्बन एटम की है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है उसे भी कंसीडर कर लेंगे, इन दो में उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। और साइड चेन है, हैलोजन साइड चेन है सब्स्टिट्यूएंट है, उसे कम प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3-chloro-prop-1-ene पैरेंट चेन है, 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो क्लासिफिकेशन दो टाइप की हमने कर ली है, बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड द बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, IUPAC नाम और कॉमन नाम हम इनके साथ में लेके चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी हो गया है। और दूसरा क्या कर लिया आपने, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किन बोलते किसको हैं, इनका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करके सबको बता दीजिए कि हेलो अल्किन हेलोरिन बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है। ओके, थैंक यू।